पद्म श्री कौर सिंह फिल्म वेखन पहुंची हो की कहो? इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी और यूथ नु जरूर इनु देखना भी चाहिए ते स्पोर्ट्स विच हिस्सा लेना तो बहुत ज्यादा लाजमी है। सो इट्स अ वेरी गुड फिल्म। ए सच्ची कहानी और पंजाब दे कोल ना इदां दा पूरा एक की कहंदे हुंदे पूरा खजाना वा। अगर पंजाब दे इतिहास विचों कढ के सच्चियां कहानियां बनाउणियां शुरू करन पंजाब पंजाबी ते सिक्खी दुनिया भर दे विच इहदा नाम जिहड़ा उह चमकेगा। पॉलिसी कच्ची चाहिए हूँ साढ़े गुआढ़ी राज विच करोड़ रुपया देंगे ने जिहड़ा कोई इंटरनेशनल खेडता तो साढ़े पंजाब दे पुछता ही कोई नहीं गा। नौकरियां देने लई घीसियां करा देंगे ने। सो स्पोर्ट्स पॉलिसी इदां दी होनी चाहिए जिहड़ी स्पोर्ट्स नूं प्रमोट करे और इस फिल्म नूं भगवंत मान नूं इहदी कॉग्निजेंस लै के क्योंकि आप ही कलाकार ने उहदा सारा टैक्स माफ करना चाहिए इहनूं प्रमोट करना चाहिए। भगवंत मान ही संगरूर जिले तो बिलोंग करते हैं तो खिडारी भी उन्होंने जिले के पर अजे तक उन्होंने अणगौलिया इन्हें अपने जिले के मुख्यमंत्री ये परिवार को बुला के सन्मानित करना चाहिए वा उन्होंने परिवार की मदद करनी चाहिए आ उसकी सर्विसेज को रिकगनाइज करना चाहिए पोस्थमसली मतलब मरण तो बाद भी उसका मान सत्कार होना चाहिए। जरूर मैं इस फिल्म का ट्रेलर उन्हें टैग करके भगवंत सिंह मान को रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका टैक्स माफ़ किया जाए बल्कि पंजाबी सिनेमा उन्होंने थोड़ा लिबरल होकर उसकी फंडिंग उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया जाए उन्होंने ईजी लोन्स दिए जाए इन्हों सबसिडाइज किया जाए ताकि पंजाब जिहड़ा होर पंजाबी इंडस्ट्री तरक्की करे। सानू बड़ा फख्र हुंदा जदों साडे कलाकार जिहड़े ने उहदे दलजीत दोसांझ लुक एट वेयर ही हैज यू नो रीच्ड जदों पग बन के एक्टिंग करता तो मज़ा ही होर आ जाता वा। सो देयरफोर पंजाब सरकार नूं मदद करनी चाहिए है। पद्म श्री कौर सिंह के उत्ते एक फिल्म बनाई गई है फिल्म जो है उन्होंने जीवनी ना संबंधित है कि किस तरह उन्होंने संघर्ष किया जिंदगी दे विच पर सब के बावजूद समय समय दियां सरकारां दे वल्लों उन्होंने अणगौलिया गया। अज प्रीमियर ते पहुंचे हाँ खास तौर पर MLA सुखपाल सिंह खहरा जो है फिल्म वेखण दे लई पहुंचे ने उन्होंने गलबात करदे हाँ कि आखिरकार अज जो फिल्म वेखण पहुंचे ने क्योंकि बहुत समय बाद जो है इस तरह की बायोपिक जो है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री दे विच वेखण नूं मिली है। हालांकि बहुत सारिया गल्लां इह वी जाती सन कि आखिरकार जो है तरह तरह लोगों की बायोपिक्स से फिल्म बनाई जा रही पर यह बायोपिक कुछ वक्री है कि कारना करके वक्री है। तो खहरा साहब भी अज फिल्म वेखण के लिए पहुंचे ने गलबात कर दी। खहरा साहब अज पद्म श्री कौर सिंह फिल्म वेखण पहुंचे हो की कहो? बहुत अच्छी फिल्म है जी सबनों देखनी चाहिए है। साडा एक वो महान प्लेयर स्पोर्ट्समैन जिसके बारे पता ही नहीं विकी मान डायरेक्टर ने सच्ची कहानी कट के लिया है सिनेमे के सामने आवाम के सामने वो वधाई दे पात्र ने। इदा के किडे एक खिडारी ने दुनिया के जेडे पद्म श्री पहुँचते हैं फिर वो मुहम्मद अली दे नाल उन्होंने बॉक्सिंग करन दा मौका मिले दिल्ली च और आर्मी च सर्व किया। इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी और यूथ नू जरूर इनू देखना भी चाहिए तो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना तो बहुत ज़्यादा लाजमी है। सो इट्स अ वेरी गुड फिल्म फैमिली फिल्म आ इहदा एक मैसेज भी आ भी एवें नहीं सिर्फ गाने गा ले दो चार लड़ाई के सीनस पाते ये सच्ची कहानी और पंजाब दे कोल ना इदां दा पूरा एक की कहंदे हुंदे पूरा खजाना वा। अगर पंजाब दे इतिहास विचों कढ के सच्चियां कहानियां बनाउणियां शुरू करन पंजाब पंजाबी ते सिक्खी दुनिया भर दे विच इहदा नाम जिहड़ा उह चमकेगा। खैरा साहब साडी त्रासदी भी यह रही है कि उस शख्सियत की मदद अमिताभ बच्चन ने की शाहरुख खान ने की पर असीं उस हीरे नूं पछाण नहीं सके। उही मैं कहा बड़ी दुखदाई गल है कि साडी सरकार ने पद्म श्री तां उहनां नूं देता पर बाद दी उहदी जिंदगी आई बिलीव के बहुत औखी नंगी आ उहदी बीमारी च किसी ने मदद नहीं की उहदे परिवार नूं किसी ने लुक आफ्टर नहीं किया। ये टॉप प्रायोरिटी सरकार की चाहिए है। स्पोर्ट्स पॉलिसी एक अच्छी चाहिए है। हुण साडे गुआंढी राज विच करोड़ रुपया देंदे ने जिहड़ा कोई इंटरनेशनल खेडता तो साडे पंजाब दे पुछता ही कोई नहीं गा। नौकरियां देने लई घीसियां करा देंदे ने। सो स्पोर्ट्स पॉलिसी इदां दी होनी चाहिए जिहड़ी स्पोर्ट्स नूं प्रमोट करे और इस फिल्म नूं भगवंत मान नूं इहदी कॉग्निजेंस लै के क्योंकि आप भी कलाकार ने उसका सारा टैक्स माफ़ करना चाहिए इन्हें प्रमोट करना चाहिए। पर दूसरी गल ये भी है कि भगवंत मान ही संगरूर जिले तो बिलोंग करते हैं तो खिडारी भी उन्होंने जिले के पर अजे तक उन्होंने अणगौलिया किया। फिर तो यह तो होर भी लाजमी है कि वह संगरूर जिले का इन्हों अपने जिले के मुख्यमंत्री ये परिवार को बुला के सन्मानित करना चाहिए वा उन्होंने परिवार की मदद करनी चाहिए है उसकी सर्विसेज को रिकगनाइज करना चाहिए पोस्थमसली मतलब मरण तो बाद भी उसका मान सत्कार होना चाहिए। टैक्स फ्री करन दी गल है ये तमाम जो फिल्म दी टीम है वो भी मांग कर रही तुसी ये मांग मुख्यमंत्री साहब तक पहुँचाओगे? मैं जरूर मैं इस फिल्म का ट्रेलर उन्होंने टैग करके भगवंत सिंह मान को
रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका टैक्स माफ़ किया जाए, बल्कि पंजाबी सिनेमा उन्हें थोड़ा लिबरल होकर वो फंडिंग रेट ऑफ इंट्रस्ट घटाया जाए, उन्होंने ईजी लोनस दिए जान, इन्हों सबसिडाइज किया जाए ताकि पंजाब जड़ा होर पंजाबी इंडस्ट्री तरक्की करे। पंजाब का म्यूजिक तो पंजाब दी फिल्म वो हुण उहदा म्यार बहुत चक्या गया वा। सो सानू बड़ा फखर हुंदा जदों साडे कलाकार जिहड़े ने उहदे आ दलजीत दुसांझ, लुक एट वेयर ही हैज यू नो रीच्ड, जदों पग बन के एक्टिंग करदा तां मज़ा ही होर आ जांदा वा। सो देयरफोर पंजाब सरकार नूं मदद करनी चाहीदी है और परिवार नूं जरूर रिकगनाइज करना चाहिए। मंग करदे हो कि इस तरह दीआं बायोपिक्स बननीआं चाहीदीआं? बन चलो दूजियां कमर्शियल भी बनाई चलो, लेकिन बायोपिक्स ट्रू स्टोरीज इहदा इंपैक्ट समाज ते, दीज आर फिल्म दैट यू कैन सिट एट होम एंड वॉच विद योर फैमिली, यू नो। सो बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। टाइसन सुखपाल सिंह खेरा जिन्होंने मांग की है कि आखिरकार फिल्म बहुत सोहनी है तो सारे नूं फिल्म वेख के आना चाहिए, तो नाल ही सच्चियां कहानियां दे उत्ते बायोपिक्स दे उत्ते जरूर पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री दे विच मूवीज़ बननियां चाहीदियां ने ताकि यूथ नूं पता लग सके कि साडे विचकार किड्डे वड्डे हीरे ने ते असीं उहनां हीरियां नूं पछाण नहीं सके।